आज अपने हिंदू संस्कृति के लिए सनातन धर्म में एक गुरु पूर्णिमा का दिवस है। ऐसे देखा जाए तो विश्व के तमाम संप्रदायों में, तमाम धर्मों में गुरु की महिमा, गुरु की परंपरा चली आई है। कोई भी धर्म में गुरु परंपरा ही है। ऐसा यह आज का ये हमारे लिए आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है। आज का दिन ऐसा है, भौगोलिक दृष्टि से और खगोलिक दृष्टि से, कि आज के दिन चंद्रमा ग्रह और पृथ्वी ग्रह दोनों का बीच में एक विशेष संबंध स्थापित होता है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन वो विशेष संबंध दोनों ग्रहों के बीच में ऐसा स्थापित होता है कि आज के दिन आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए जो अद्भुत ज्ञान है, जो अद्भुत शक्तियाँ अदृश्य रूप में काम कर रही है, वो शक्तियाँ और अद्भुत ज्ञान को ग्रहण करने में हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति पैदा होती है, एक अनमोल चीज़ों ग्रहण करने के लिए एक विशेष तरंगों पैदा होता है। ये तरंगों पैदा होने का कारण, ये विशेष शक्तियों पैदा होने का कारण एक चंद्रमा और पृथ्वी का एक स्थापित संबंध आज के दिन होता है। वो संबंध का महत्व के कारण ही आज का गुरु पूर्णिमा दिन की उजवनी किया जाता है। ये गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे सनातन धर्म में सनातन परंपरा से चला आया है, जो बहुत पवित्र दिन कहा जाता है। ऐसे तो भारत भर में भी नहीं और समग्र विश्व में सभी संप्रदायों में गुरु पूजन की प्रथा है। आज गुरु परंपरा की महिमा को आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए एक अद्भुत दिन कहा जाता है, सद्गुरु के लिए और शिष्य के लिए भी। यही कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने गुरु परंपरा की थियरी स्थापित की है। ये चंद्रमा और पृथ्वी का आज के दिन जो चौकस संबंध स्थापित होते हैं, उसके अधीन ही गुरु परंपरा में गुरु पूजन की परंपरा स्थापित किया है। बहुत अद्भुत दिन कहा जावे आज का, सनातन संस्कृति के लिए, गुरु परंपरा के लिए। सभी आश्रमों में, सभी देवस्थानों में, सभी जगह आज के दिन बहुत धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का, गुरु परंपरा का उजवनी आनंद भैर सब उजोते हैं। लेकिन मेरे लिए तो, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, दूसरे मैं कभी गुरु पूर्णिमा का दिन के दिन मैं मेरे शरीर को गुरु पूजन के दिन गुरु पूजा कभी किस कोई भी सेवक से करवाता नहीं। देखो आज यहाँ कोई उत्सव गुरु पूर्णिमा का नहीं दिखता है और कोई सेवक भी नहीं दिखता है, क्योंकि मैं मनाए करता हूँ कि अभी ये प्रकृति ने मुझे
गुरु पद की प्राप्ति दिया नहीं है, गुरु पद मुझे ये प्रकृति ने अर्पण किया नहीं है, इसलिए गुरु तरीके मेरे को पूजाने का कोई अधिकार अभी मुझे प्राप्त नहीं है। यही कारण से मैं गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी पूजा नहीं करवाता, गुरु पूजा नहीं करवाता। साधु जरूर हूँ, योगी जरूर हूँ, प्रैक्टिकली योगी हूँ, और ऊंचाई के शिखरों पर खड़ा हूँ, लेकिन शिखर का दरवाजा अभी खोल नहीं पाया हूँ। शिखर का दरवाजा वहाँ का आगे खड़ा रहकर मैं खटखटा रहा हूँ, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी शिखर का दरवाजा खुला नहीं है, दरवाजा खटखटा रहा हूँ। इतना प्रैक्टिकली हूँ, फिर भी मैं जरूर गुरु पूजा करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं हमेशा गुरु पूजन मानसिक पूजन से करता हूँ। इसके बाद ही मैं मेरे सद्गुरु का पूजन करता हूँ, पहले मैं मानसिक पूजा गुरु पूजन कर लेता हूँ। लेकिन मैं मेरी पूजा कभी किसी से करवाता नहीं है, जो मुझे ये चीज गमती नहीं है, मुझे ये अनुकूल ही नहीं है कि मैं मेरी पूजा करवाऊं। आपकी दृष्टि में तो जो भी है, लेकिन जो मेरी मानसिकता है वो मैं आपके सामने प्रकट कर। कभी आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए हम सभी जब सत्य के लाइन पर चलने के लिए काबिल हो गए, सत्य को पहचानने के लिए जब हमारी अंदर झंखना जगेगी, तभी सही तरीके से हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। इसके बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो पाएगा। अब देखो, मेरे आश्रम में कोई गुरु पूजन की कोई भी तैयारी मैंने किया नहीं है, कोई साल भी नहीं करता, कोई उजवनी में करता नहीं। जब तक प्रकृति गुरु पद अर्पण ना करे, तब तक मेरी दृष्टि से मैं मेरी गुरु पूजा कभी नहीं करवाऊंगा। जब प्रकृति गुरु पद अर्पण करेगी, तब मैं अवश्य पूजा करवाऊंगा, लेकिन इसके पहले नहीं।